हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एप्पल ने रिसेंटली ही अपना iOS 14 बेटा वर्जन पब्लिक के लिए रिलीज करा है। हमने सोचा क्यों ना इस वर्जन को हम खुद ट्राई करें, तो हम आपके लिए लाए हैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे आप ये वर्जन अपने फोन में भी डाल सकते हैं। तो मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं तकनीकी सामान, तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो भी एप्पल ने वर्जन निकाले थे वो सारे डेवलपर्स के लिए निकाले थे। ये जो 22 जुलाई का वर्जन आया, ये पहला वर्जन है जो पब्लिक के लिए रिलीज हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ये iOS वर्जन अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। तो इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ आईफोन का एक्सेस मैक्स, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। इस अपडेट को डालने से पहले आप लोग ध्यान रखिए कि आप अपने फोन का बैकअप जरूर कर लें। अगर आपको नहीं पता आप अपने फोन का बैकअप कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने सेटिंग में जाकर एप्पल आईडी में आईक्लाउड के अंडर स्क्रॉल करेंगे तो आपको आईक्लाउड बैकअप दिखेगा। यहाँ पर बैकअप नाउ पे क्लिक करें और अपने फोन को अप टू डेट कर लें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आपका बैकअप आपके फ़ोन से नहीं होगा। उसके लिए आप अपना फ़ोन या तो लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से बैकअप कर सकते हैं। उसके लिए आपके कंप्यूटर में IT होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप में फ़ोन कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है iTunes पर। iTunes पे आप अगर आप इस फ़ोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना कनेक्टेड आईफोन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन का बैकअप हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देगा कि आपको अपना बैकअप इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट नहीं करना, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आपका अपना पर्सनल लैपटॉप तो इसको इनक्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं डोंट इनक्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका आईफोन बैकअप हो रहा है। आप इसके कंप्लीट होने का इंतज़ार कीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपको अपना फ़ोन निकाल देना है और उसके बाद जाएंगे हम वापस फ़ोन पे बाकी के स्टेप्स कंप्लीट करने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने वेब ब्राउज़र में। आपको टाइप करना है apple.com/beta। इसके बाद आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। इसके बाद आपका एप्पल डिवाइस आपको साइन इन करने के लिए प्रमोट करेगा। साइन इन करने के बाद आप क्लिक करेंगे एनरोल माई डिवाइस पे। उसके बाद ये आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने फ़ोन का बैकअप कर लें, जो कि हमने कर लिया है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे डाउनलोड प्रोफाइल पे। इसके बाद आप करेंगे इसे अलाउ और आपकी प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आपको दिखेगा कि एक प्रोफाइल डाउनलोडेड ऑप्शन, उस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल। आप डालेंगे अपना पासकोड, उसके बाद कंसेंट फॉर्म साइन करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पे। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि iOS 14 पब्लिक बेटा 2 वर्जन आपके लिए डाउनलोड के लिए दिखा रहा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसे करेंगे इंस्टॉल और इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में iOS 14 बेटा वर्जन आ जाएगा। तो फ़ोन अपडेट हो चुका है। हमें फिर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही बेसिक है, जैसे कि जब आप एक नया आईफोन लेते हैं ये पूरी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं नया iOS आ चुका है। इसका लेआउट काफ़ी ही स्लीक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी ऐप्स का लेआउट ऑलमोस्ट सेम ही है। इस आईफोन को हम एक दो दिन में टेस्ट करेंगे और उसकी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर बताइए, ताकि हमारा चैनल इम्प्रूव हो सके। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।